मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शमीम खान वैसे तो राजनीति के क्षेत्र में एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष हैं, मगर इनकी पहचान सबसे पहले सामाजिक कामों की वजह से ज्यादा होती है। हर किसी के मुसीबत के वक्त शमीम खान सहारा बनकर खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि लोग शमीम खान को पसंद भी करते हैं और उनके कामों की वजह से एक बार फिर शमीम खान पूरे मुमरा कौसा में चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि शमीम खान ने दिल की बीमारी से जूझ रहे एक शख्स की बाईपास सर्जरी करवाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के जमुनी गांव के रहने वाले नासिर सलमानी दिल की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थे। खराब हालत, आर्थिक तंगी यानी कि पैसों की किल्लत की वजह से नासिर सलमानी अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। बाईपास सर्जरी होनी थी, लंबा खर्चा डॉक्टरों ने बताया था। नासिर को लगता था कि अब क्या होगा, उन्होंने अपना इलाज करा पाने की उम्मीद ही मानो छोड़ दी थी। मगर इसकी जानकारी एक परिचित व्यक्ति ने शमीम खान को दी और शमीम खान ने तत्काल नासिर सलमानी को डोंबेवली के बास आरआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और नासिर की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक यहां पर किया गया। सर्जरी के बाद नासिर की हालत बिल्कुल ठीक है। नासिर सलमानी जो अपना खुद का इलाज कराने में असफल थे, मगर उनके लिए शमीम खान ने जो काम किया वो बेहद सराहनीय और जितनी भी तारीफ की जाए कम। वैसे तो शमीम खान ने मुमरा कौसा के ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक तंगी से परेशान थे, लेकिन उनकी मदद के लिए शमीम खान हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।